नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर इनके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी तक पहुंचने के योग के विषय में सबसे पहले बताते हुए देन ओवरऑल पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में। तो सूर्य जो माउंट है आपका डेवलप अच्छा है, जो अच्छे सबसे पहले आत्मविश्वास को और एक प्रकार के अथॉरिटिकल वर्क को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से आपके अंडर में अथॉरिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है और पावर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य एक प्रकार से व्यक्ति के पावर को और सक्सेस के योगों को बताता है कि व्यक्ति कितना ऊपर तक पहुंच सकता है। तो सूर्य माउंट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और सूर्य लाइन भी अवेलेबल है, जो एट द एंड में एक प्रकार से त्रिशूल टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिएट कर रही है, जिसके कारण आगे चलकर यहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग नेचर रहने वाला है और एक समय पर एक से अत्यधिक आप काम भी करने वाले इस कारण से रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फ्लैग का साइन यहाँ पर आपका एक प्रकार से यहाँ पर क्रिएट होता हुआ भी दिख रहा है। ये रेखा यहाँ पर क्रॉस, अगर यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, वैसे फिंगर पे यहाँ पर आपके देखे जाए तो माउंट पे इतना क्लियर कट व्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारी शाखाएं हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से आई हैं, लेकिन प्रॉपर क्लियर कट दिख नहीं रहा है। तो इस कारण से कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। जो ये मल्टीपल्स लाइन आई है तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि जब आप एक कोई भी काम करेंगे तो उसके कंपैरिजन में और बहुत ज़्यादा काम आपको एक साथ आ जाने वाला रहेगा और आपका ध्यान या मन एक से ज़्यादा क्षेत्रों में लगने वाला भी रहेगा। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव योग है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर फ्लैग की आकृति यहाँ पर क्रिएट हुई है, और जब फ्लैग की आकृति होती है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क हाथ में मिलने वाला होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन आपके रहने वाले रहेंगे और आपकी जो पहुंच है बहुत दूर दूर तक इस कारण भी रहेगी। तो इसलिए फ्लैग का साइन बहुत बेस्ट यहाँ पर माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्रॉस से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि ये रेखा इस प्रकार से काट के जा रही है या नहीं, क्योंकि अभी पाम में ये दिख नहीं रहा है। इस प्रकार से आई है रेखा, फिर बहुत माइनर सा एक इस प्रकार से रेखा गई है, मतलब प्रॉपर क्लियर कट क्रॉस नहीं है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव साइन होता है, इससे फिर नेगेटिविटी नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और रेखा इस प्रकार से निकल के आपके शनि के क्षेत्र तक जा रही है तो ये भी एक प्रकार से भाग्य रेखा है, और कुल मिलाकर के सेटिस्फेक्शन भी आपको अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा मिलने वाला इस कारण से रहेगा। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर आपके सैटर्न लाइन के बारे में बात किया जाए तो फेट लाइन इस प्रकार से आपका निकला हुआ है पहले, और दूसरा जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से निकला हुआ है। मून के एरिया से निकलने वाली फेट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यही इंडिकेट होता है कि बर्थ प्लेस से दूर आपको जाने के बाद ग्रोथ प्रोग्रेस मिलने वाला रहेगा। और शनि पर भी रेखा है लेकिन प्रॉपर फेट लाइन से अटैच नहीं है, तो इस कारण से लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन आपको प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा, सेटिस्फेक्शन बहुत डिले मिलेगा, धन की कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी। और जहाँ तक बात करें गुरु माउंट की, तो गुरु माउंट आपका एक प्रकार से थोड़ा सा दबता हुआ दिख रहा है, जो फैमिली से दूर रहने के योगों को बताता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण मैरिड लाइफ एक तो आपकी सक्सेसफुल रहेगी, ऊपर से मैरिज के बाद और लाइफ में आपकी ग्रोथ, सक्सेस, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा नॉलेज, अच्छा सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल रहा है। तो गुरु भी देखा जाए तो सिर्फ माउंट यहाँ पे वीक है लेकिन इंडिकेशंस बहुत ब्राइट है। और जहाँ तक माइंड लाइन की आपकी बात की जाए तो माइंड लाइन में एक प्रकार से गैप हुआ है और इस प्रकार से यहाँ पर माइंड लाइन फिर आपकी कंटिन्यूस चलते हुए थोड़ी डिक्लाइन हो गई है। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग है, डिक्लाइन माइंड लाइन इमेजिनेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, तो इस कारण से आपको हर बात के जड़ तक जाना या डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना या रिसर्चिंग टाइप का नेचर होना यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है। तो हर बात के जड़ तक जाना ख़राब नहीं होता है, और आप जैसे लोग ही मोस्ट प्रोबेबली एक प्रकार से हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा शार्प देखने को मिलता है, जिसके कारण पुराने से पुराने बातें भी याद रहती हैं और जल्दी बातें समझ भी आती हैं, और कंपटीशन में भी अपना लॉजिक लगा करके ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। कंपटीशन के लिए मंगल कारक होता है आपका अंदरूनी और बाहरी, दोनों मंगल यहाँ पर पॉजिटिव है। रीज़न ये है कि मंगल की सपोर्टिव लाइन निरंतर साथ में चल रही है और मंगल होता है कंपटीशन और भूमि का कारक, तो इस कारण से आपकी खुद की प्रॉपर्टी होने के योग भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपटीशन में क्रैक जो एक प्रकार से एग्ज़ाम है उसको करने के योग भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। आपको जो सपोर्ट सिस्टम भी स्टार्ट होने वाला है बहुत अच्छा, वो अप्रोक्सीमेटली 20
324 के एज के बाद से स्टार्ट होगा, जिसके कारण दूसरों का सहयोग मिलने के कारण जो आपकी ड्रीम डिज़ायर इच्छा मनोकामना है वो भी कंप्लीट होगी, और जब भी किसी प्रकार के स्ट्रेस या प्रॉब्लम आएगा तो कहीं ना कहीं दूसरों व्यक्तियों द्वारा जो आपको मदद मिलेगा उससे आप निकलेंगे भी। बाहरी मंगल यहाँ पॉजिटिव है तो इस कारण से एक प्रकार से अच्छा एनर्जी स्टेमिना आपके मेंटेलिटी में भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो ओवरऑल यहाँ बात किया जाए तो बहुत ही बेस्ट इंडिकेशंस अवेलेबल है आपके लाइफ में ग्रोथ करने के, बहुत ऊंचे पद तक जाने के, और बहुत रिस्पेक्ट आपको आपके लाइफ में मिलने वाली है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। घर परिवार से तो मिलेगा ही, लेकिन समाज से बहुत मिलेगा। आपके कारण आपके माता पिता का नाम रोशन होने को जाएगा। इसके पीछे भी रीज़न ये है कि हृदय रेखा के अंत में जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये माता पिता के अच्छे सेवा भाव के योगों को व्यक्त करता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपके माता पिता प्राउड फील करेंगे, या फिर उनके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो वो खुश रहेंगे आपके एक प्रकार से नेचर के कारण या आपके अचीवमेंट्स के बदौलत। तो ये बहुत ही बेस्ट साइन अवेलेबल है पूरे पाम में। और अब जहाँ तक फेट की बात की जाए तो फेट लाइन जो ये चेंज हुआ है तो इस कारण से थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आपको 23-24 एज के बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपकी लाइफ में अवेलेबल है। तो कहीं से कहीं तक यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल दे रहा हो या प्रॉब्लम दे रहा हो। हाँ, बेशक ये ज़रूर है कि फैमिली के सुखों में थोड़ी सी कमी आपके रही है या फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी रही है। बाकी ओवरऑल देखा जाए अगर करियर वाइज तो बहुत अच्छे पाम में इंडिकेशन से, और आप 101% 23-24 के एज तक बहुत अच्छा आपका सेटलमेंट हो जाने वाला भी रहेगा। तो अब आपके आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ के विषय में यहाँ पर सबसे पहले आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में देख पाएंगे यहाँ पर लॉन्ग है, जो एक प्रकार से अच्छे सोचने विचारने की क्षमता को, डिसीजन मेकिंग स्किल को बहुत अच्छा बताता है। तो हर काम को सूझबूझ के साथ करना, अपने आप को प्रीप्लान रखना या अपने हर काम में सप्लीमेंट्री लेकर के चलना कि एक काम नहीं होता है तो उसके बदले में दूसरा काम हो जाए, तो वैसे योग हाथ में बहुत ही ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत ही पंचुअलिटी के साथ आप कोई भी काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची है, तो इस कारण से मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो बहुत अच्छा आप लीडर, टीचर, गाइडर यहाँ पर हो सकते हैं, नॉलेज अच्छा गेन करेंगे। और एक प्रकार से जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है तो ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो माउंट है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ पता नहीं है, तो ईगो वगैरह का कोई इशू इसमें रहने वाला नहीं है। बाकी ये ज़रूर रहेगा कि आप हमेशा अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाने में थोड़ा सा यहाँ पर नाकामी देखने को मिल रहा है। गुरु के रेमेडीज़ आपको मैं दूंगा तो उससे घर परिवार की सुख सुविधाएं बढ़ने लगेगी, बाकी नॉलेज अच्छा आप लाइफ में अपने गेन कर पाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। शनि का जो लेंथ है फिंगर का वो भी लॉन्ग है, तो इस कारण से मेहनत आप अपने जीवन में अच्छी करके ग्रोथ और सक्सेस को हासिल हो पाएंगे। सीधी यहाँ की खड़ी रेखा आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है, तो हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे। और देखिए आड़ी रेखा भी कुछ यहाँ मौजूद है जो बताती है कि रिलेशन में कहीं ना कहीं आपके अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरी बन ही जाता है। रीज़न फाइंड करेंगे आगे क्या है। बाकी फैलेंजर्स कुल मिलाकर के ठीक डेवलप है, अंदरूनी मंगल भी और बाहरी मंगल भी ठीक है, तो स्टेमिना ऊर्जा आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। फिंगर एट द एंड टॉप में एक प्रकार से नोकीली हो रही है, तो बेचैनी थोड़ी सी रहती है और चीज़ों को पाने की चाहत भी ज़्यादा देखने को मिलती है। थम के साइज़ के विषय में आते हैं, तो थम का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग है लेकिन टिल्टेड बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, तो इस कारण से डिसीजन मेकिंग स्किल हुआ या प्लानिंग हुई उसमें आप कहीं ना कहीं चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर मेंटेलिटी में रहने वाली है और एडजस्टिंग नेचर भी यहाँ पर आपका शो हो रहा है। थंब के ऊपर अगर बारीकी से देखें तो यव का साइन भी अवेलेबल है, धार्मिक रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। धर्म कर्म के कार्य हुए या दान पुण्य के कार्य हुए, इसमें जितना बढ़ चढ़ के रुचि लेंगे बहुत अच्छा जीवन में फेट आपका मजबूत होगा और एक प्रकार से सुख सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। धन आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है और कहीं ना कहीं सिक्स्थ सेंस भी आपका अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेशन या योगा जैसी क्रियाएं करते हैं। तो ये अपने आप में पॉजिटिव साइन होता है और पहले पर्व की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर भी स्ट्रांग रहने वाला रहेगा। बाकी
बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा देखा जाए तो थंब आपका ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, तो एडजस्टिंग नेचर है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं रहने वाला है। और पाम के साइज़ के बारे में बात किया जाए तो स्क्वेरिश हैंड जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा आपको, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखने रहना ये आपके नेचर में है। आपकी इच्छा मनोकामना अपने जीवन को लेकर के बहुत है और उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट एक्शन भी लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने के बाद आप एनालिसिस जो करते हैं ये सही ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कोई भी काम करने के पहले एनालिसिस प्रॉपरली करिए और उस चीज़ के ऊपर अड़िग रहिए, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी है ज़रूर हाथ में, लेकिन देखिए यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर आकर के टूट गई है और गैप है, तो इस कारण से थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, पंचुअल सीरियस या एक काम के पीछे अड़िग रहना पड़ेगा, बीच में कोई भी काम को नहीं छोड़ना है, तब जाकर के ये रेखा एकदम ऐसे जुड़ेगी, तब जाकर के आपको जो प्रॉपर आप लाइफ में अपने सेटिस्फेक्शन या सक्सेस पाना चाह रहे हैं वो आपको मिल पाएगा। तो अगेन अब आते हैं आपके पाम के यहाँ पर क्लोजअप पे, तो यहाँ पर गुरु कुल मिलाकर के नॉर्मल है और आड़ी रेखा आपको धर्म कर्म के कार्य में लेकर के जाएगी, तो सोशल वर्क भी आप आगे चल करके करेंगे। ऊपर से शनि पर आड़ी रेखा होना सही नहीं होता है, ये भाग्य में थोड़ा सा कमजोरी को व्यक्त करता है, तो इस कारण से चिंता या खुद के ऊपर शंकाएं बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो शनि के भी थोड़े रेमेडीज़ करना आवश्यक है। सूर्य माउंट क्लियर है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर से आपकी सूर्य रेखा स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति अपने खुद के बदौलत यहाँ पर नाम कमाने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, सक्सेस और गवर्नमेंट जॉब जैसी चीज़ें में भी हाई पोस्ट तक पहुंचने वाला होता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको तब भी शंका होती है तो यह शनि के कारण ही हो रहा है। फिर मरकरी माउंट ठीक डेवलप है, तो मन के अंदर कोई बात ऐसे दबाएंगे नहीं आप, और मल्टीपल्स लाइन भी अवेलेबल है, तो सिंपैथेटिक नेचर इस कारण से रहेगा, कन्विंसिंग स्किल ठीक है, बोलचाल ठीक रहेगी आपकी। दूसरा, रिलेशनशिप में आना थोड़ा डेंजर आपके लिए रहेगा, रीज़न ये है कि यहाँ पर दो यूनियन लाइन है आपकी, एक तो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, दूसरी वाला जो है एक प्रकार से डिक्लाइन हो रहा है, तो जो सेकेंड रहेगा, सेकेंड मीन्स जो आपका पार्टनर रहेगा जिनसे शादी होगी आपकी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी रहेंगे और थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी उनका नेचर रहने वाला है। कुल मिलाकर के जो सेकेंड यूनियन लाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कंपैरिजन टू फर्स्ट, तो इसीलिए रिलेशनशिप में आने से अपने आप को थोड़ा सा बचा करके रखें, क्योंकि अगर आपका शुक्र माउंट पॉजिटिव होता तो मैं कभी भी आपको ये राय नहीं देता, और पहली बात मैं कभी भी रिलेशनशिप को लेकर के इतना ज़्यादा राय देता ही नहीं हूँ कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो आपके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुरु माउंट यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और शुक्र पर भी देखें तो कितनी सारी आड़ी रेखाएं हैं, जालीनुमा आकृति बन रही है, तो कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर से रिलेटेड या रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन प्रॉब्लम हर्डल्स ट्रबल आती ही आती है, तो इसके द्वारा कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है। अदरवाइज शुक्र माउंट जैसा डेवलप है आपके अंदर कामुकता भी बहुत है, बहुत जल्दी सेक्स प्लेजर आपको लगने लगता है या फिर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी आपको फील होने लगता है, और हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की जैसे आकृति है तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो आपके नेचर में ही थोड़ा इस प्रकार का व्यक्तित्व है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अभी फोकस करियर वाइज दे दिया जाए, शादी कर ली जाए, फिर क्या जीवन में तकलीफ रहने वाला है, तो ये चीज़ आप बाकी समझदार है ही समझ सकते हैं सारी बातों को अच्छे से देखिए, क्योंकि हृदय रेखा के अंत में भी कितनी सारी रेखाएं नीचे को आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल नेचर के ज़्यादा हैं और एक्सपेक्टेशन भी दूसरे से ज़्यादा जल्दी लगा लेते हैं, यही रीज़न है कि कई बार आपके एक्सपेक्टेशन धराशायी हो जाते हैं, और दुख किसको होता है इसमें, सिर्फ आपको, सामने वालों को क्या तकलीफ रहेगा, इसीलिए रिलेशनशिप में नहीं आने का ये भी एक रीज़न है कि ट्रबल आपको इस कारण से हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से थोड़ी कम रखें, क्योंकि हृदय रेखा सीधे निकल के गुरु से कनेक्टेड है, तो बहुत ऑनेस्ट लॉयल नेचर आपका रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, किसी का एक रुपये भी नहीं रखना, ईमानदार रहना, प्लस इमोशनल नेचर है तो दिल से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सोचते हैं, बाकी जैसे गुरु से कनेक्टेड हुई है हृदय रेखा तो जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को अर्जित कर पाएंगे, धार्मिक भी आप यहाँ पर रहेंगे, सोशल वर्क भी करेंगे, और जो आपका ससुराल पक्ष रहेगा वो भी बहुत मजबूत आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा, क्योंकि मून लक लाइन भी हाथ में अवेलेबल है, तो शादी के बाद ही ग्रोथ सक्सेस मिलती है, और यहाँ से भी देखें तो फेट लाइन यहाँ से भी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष बहुत अमीर भी रहने वाला है, तो इसीलिए ध्यान रखें, वी सिंबल भी बना हुआ है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है ग्रोथ अच्छा मिलने लगता है, माइंड लाइन से यहाँ पर ऊपर की ओर रेखाएँ फिर उठ रही हैं, तो अब आगे चल करके यानी 24 के एज के बाद से डिसीजन अच्छे लेने लगेंगे, एनालिसिस की कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छा होने लगेगा, और यहाँ पर आप देखें तो
तो यहाँ पर एक प्रकार से स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है इधर पे, तो ये खुद के प्रॉपर्टी के योगों को डेवलप करता है कि खुद की प्रॉपर्टी आप गवर्न अच्छी कर पाएंगे। बाकी आते हैं लाइफ लाइन में, तो लाइफ लाइन में पहले रेखा अंदर की ओर चल रही है फिर बाहर की ओर, और इस प्रकार से ये कंटिन्यूस चल रही है जिसमें से प्रोग्रेस लाइन में मल्टीपल्स निकल रहा है, फिर ये यहाँ पर बाहर की ओर भी जा रही है, तो विदेश जाने के योग भी हैं। लाइफ में ट्रैवलिंग की भी कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। सेल्फ मेड लक लाइंस निकल रही हैं, तो आप खुद के मेहनत और खुद के प्रयासों से बहुत अत्यधिक आगे बढ़ेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, बस कोशिश आपको ही करनी है। और सहयोगी रेखा जहाँ तक है, तो जो आपके स्पाउस रहेंगे वो भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ईमानदार रहेंगे, अटैच्ड आप दोनों ज़्यादा रहेंगे, और एज अ कंफर्टेबल और बहुत स्मूथ लाइफ आपकी मैरिड रहने वाली है। दूसरा कि आपको 24 के एज के बाद से सपोर्ट बहुत अच्छा दूसरों का भी मिलेगा। बाकी मंगल की बात करें तो थोड़ा वीक है अंदरूनी मंगल, खान पान पे थोड़ा सा अत्यधिक ध्यान देवें, और समय पे खाना समय पे सोना ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बाहरी मंगल ठीक है, तो इस कारण से हौसला जुनून अच्छा रहेगा। शुक्र मौन डेवलप अच्छा है, तो हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद उठा पाएंगे। सीधी कुछ खड़ी रेखाएँ हैं जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। बाकी यहाँ बात करें चंद्र की, तो चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सा मन भटकाती है, बेचैनी को व्यक्त करती है, थोड़े डर या नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग भी हैं। ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी है, तो सच सुनना, सच का साथ देना या कुछ ना कुछ क्रिएटिव क्वालिटीज़ आपके अंदर देखने को मिल रही है। और बाकी बात करें तो ये जो सीधी खड़ी रेखा यहाँ से जा रही है, ये आपकी मरकरी लाइन है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, पर मनी ट्रायंगल प्रॉपर बना नहीं है यहाँ पे। तो धन तो जीवन में अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको रोक पाने में थोड़े आप सक्षम अभी कम हैं, तो इस कारण से थोड़ा और ज़्यादा पंचुअलिटी को अपने लाइफ में लेकर के आए, क्योंकि मरकरी लाइन यहाँ पर मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। और ज़्यादा अपने आप को पंचुअल मैनेज करें तो और अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी 2 से 3 यहाँ राहु रेखा भी है, जो आपको 28, 32, 33, 34 और एक माइंड लाइन पर अफेक्ट कर रही है। 36 के एज में आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकती है, तो राहु के रेमेडीज़ कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या इशू नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।